वर्ल्ड कप 2023 में भारत की लगातार तीसरी जीत। अहमदाबाद मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। गौरतलब है कि भारत ने वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को एक भी मैच जीतने नहीं दिया है और उसी जीत को जारी रखते हुए भारत ने अहमदाबाद में हुए मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया। मैच की शुरुआत में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया, जिसमें पाकिस्तान की शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा अच्छी रही, लेकिन इनिंग के मध्य आते आते पाकिस्तान ने अपने विकेट गुच्छों में गिरा दिए, जिस कारण पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 42 ओवर 5 बॉलों में मात्र 191 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहतरीन रही और एक ओपनर के तौर पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 86 रन बनाते हुए भारत की जीत की नींव रखी, जिनके साथ आए शुभमन गिल ने कुल 11 गेंदों में 16 रन बनाए, जिनके आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 18 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए, जिनके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने कुल 62 गेंदों में 53 रन बनाते हुए केएल राहुल 29 गेंद 19 रनों के साथ भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दिलाई।